मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदा जो जैन धर्मोष मंगलम ये झाया झाणि गये कम कलंक देव नित्य निरंजन नानमय तेव परम परमेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाचे चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान ये झाया झाणि गये कम कलंक देव। कैसी सुंदर बात है, जिन्होंने केवल सुना है और गाया है उनको तो पुण्य बंद हुआ है, सो भी जितनी प्रसन्नता है उतना। वीतरागी छवि को निहारते हुए, वीतरागी वाणी को सुनते हुए, वीतरागी वाणी का चिंतन करते हुए जितनी अंतरंग में प्रसन्नता है उतना पुण्य है। जितना अनुत्साह है पाप है, अनुत्साह है उतना पाप है। ठीक है, कोई अपन को क्या करना है, अपन अपना ग्रंथ धर के बैठ ही रहो, पढ़ते रहो, अपनी अपनी पूजा कर लो, अपने अलग से कर लो, ये जल्दी करते ये देर में करते ये फलाना करते ऐसा हो ये ठीक नहीं, अपना अपना अलग से कर लो। पाप बंद का कारण है ये अनादर है। इतने वीतरागी नहीं हुए अभी भाई, इस भूमिका में विचार करो। धर्म कार्यों में तुझे उल्लास नहीं आता, एडजस्ट करना नहीं आता, जुटना नहीं आता, सहना नहीं आता। हाँ, थोड़ी बहुत अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं भी होती हैं, सहना भी सीखो। परिसर कैसे सहोगे, कैसे इस मार्ग पर डटे रहोगे, लगे रहोगे। हम पे सहन नहीं होता, सहन नहीं होता तो बिगड़ जाएगी व्यवस्था, सहन तो करना पड़ेगा। रूढ़ी की क्रिया नहीं है धर्म, अर्थात क्षमा मांगना भी कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं। क्षमा करो, क्षमा तो मांग ली, अरे क्षमा तो मांग ली, उस दोष को तो फिर छोड़ा नहीं। क्षमा मांगने से क्या हुआ, उस दोष को तो छोड़ना चाहिए। कहाँ गया वो लड़का, कहा था ना हम अकेला क्यों छोड़ के आए, साधर्मी को अकेला छोड़ करके क्यों आए, वे आ जाएंगे अपन करके, हम चले आए। अच्छा, तुम उनसे क्यों नहीं कहा कि हम तुम आप जाओ, हम करके आए। बताओ क्यों ना कहीं तुम जाओ। हाँ, तो उन्होंने तो कहीं तुम्हारे के मुंह में क्या आवाज नहीं है, तुम्हें भी तो कहना चाहिए। अब हम कह दें उठ जाओ जाओ चले जाओ, उठ जाओ तब हम जाने। अपने प्रमाद का पोषण करने वाली बातें, अपनी कथाएं का पोषण करने वाली बातें झट से पकड़ लेते हैं। तुमने ये कहा, हमने उन्हें मना कर देगी। हाँ, और भी तो तुमने नहीं कह पाए थे, उनकी सब मानते हो। ध्यान रखना छल ग्रहण नहीं करना, कभी छल ग्रहण नहीं करना। मौन रहना तो बहुत उत्कृष्ट काम है। मौन रहने से पहले योग्य वचन बोलना सीखो। क्यों भाई, सत्य वचन नहीं हो तो वचन गुप्ति कहां से आएगी। सत्य अनुव्रत हो, सत्य महाव्रत हो, तब वचन गुप्ति आती है। मौन हो गए हम उन्हें मौन रहते हैं, हम इसलिए नहीं बोलते कथा होती है। अरे इसलिए कथा होती है क्या, तुम्हारे अंतरंग में विपरीत चिंतन चलता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, इसलिए कथा है। मौन रहने से कथा मिट जाती है। हाँ, मिट जाती है, लेकिन मौन रहे तब ना, तो भाव के आश्रय से, तत्व के अभ्यास से, आत्महित की दृष्टि से। नहीं बोलने से कथा नहीं मिटती, भीतर में रूंधी कथा है। रूंधी कथा है शब्द का कभी अर्थ सुना समझा है, सोचा है। जिसको आप वैराग्य मानते हो, साधना आराधना मानते हो, सब रूंधी कथा है, वेद ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर। निचली भूमिका में आपको सदैव याद रखना चाहिए, बढ़ता हुआ धर्मानुराग, धर्मानुराग तुम्हारा घट रहा है, हमें कोई मतलब नहीं।
हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना, हमें अपना काम करना, ये अकड़ है, ये विनय नहीं है, ये सरलता नहीं है, ये कुटिलता है। कहां से ये चर्चा कर रहे, ये झाया, जिन्होंने गाया ऐसा नहीं बस गा लिया अकेले में बैठ करके, बस हो गया धर्म। अरे गाने से धर्म नहीं होता, ध्याने से धर्म होता है। गाया भी जाता है लेकिन बहुमान पूर्वक गाया जाए तब पुण्य होता है। दूसरों को हीन समझ करके हम अच्छा गाते हैं, हम अच्छा करते हैं, ये तो तुम्हारी विपरीत दृष्टि है, विपरीत सोच है। क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है, है कोई लौकिक रूढ़ी की क्रिया नहीं है, क्षमा मांगना अंतरंग की पवित्रता है। अंतरंग की पवित्रता होती है क्षमा मांगने में, दोबारा क्षमा न मांगनी पड़े, दोबारा वह गलती न हो जाए। पढ़ने वाले दिन भर किताब धरे बैठी रहते हैं और कितने परसेंट पढ़ पाते हैं, और सारे काम कर लेते हैं और पढ़ाई ऐसी करते हैं बढ़िया टॉप में जाते हैं। अभी उस दिन वो बिंदु में सुना रहे थे, हैं किसने टॉप किया, उसने कहा मोबाइल हमारे पास नहीं, मोबाइल नहीं देखा हमने, कोचिंग नहीं करी हमने, उसने टॉप किया। टाइम पर सोते, टाइम पर उठते, बड़ों की आदर करते, विनय करते, सब घर का काम सब माता पिता को सहयोग देते, सब करते और टॉप किया। लौकिक शिक्षा का दृष्टांत है वो, हमें तो मालूम भी नहीं पूरा परिचय, उसने बताया। आपको ध्यान रखना चाहिए, अभिमान से कर्ण घटता है, वैराग्य घटता है, धर्म घटता है, पुण्य घटता है, पाप बढ़ता है केवल, और कुछ नहीं होता। पढ़ाई 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 के नाम पर काम चोरी, और हमें पढ़ाई पढ़ाई न पढ़ पाते, धोबी का कुत्ता जैसी दशा होती, न घर का न घाट का, न पढ़ाई कर पाते हैं और न परिपक्व हो पाते हैं। और अंतर में देखो, आत्म आराधना के बिना कथाएं तो मिटी नहीं, फिर कोई हमें नहीं पूछता, फिर हमें ही व्यवस्था नहीं बनती, फिर हमें प्रतिकूलता, तो हमारा निरंतर मन मलिन रहता है, फिर खिजियार छूटती है। ये एक दोष में से अनेक दोष खड़े होते हैं, एक दोष अकेला नहीं होता कभी, जैसे सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता, ऐसे मिथ्यात भी अकेला नहीं होता, ज्ञान अकेला नहीं होता, अज्ञान भी अकेला नहीं होता। ज्ञान होगा वह ज्ञानमय भाव होंगे, क्षमा मार्दव वार्जवादिक होंगे, तो अज्ञान होगा तो क्रोध मान मायालो सब होंगे इकट्ठे, और नहीं तो बताओ। गुणस्थान चर्चा अलग है, अकेला लोग होता है दसवें गुणस्थान में लेकिन स्थूल रूप से देखो नहीं, अकेला लोग होता है किसी को, लोभी का दमन योगियों से कम नहीं है, न रक्त चूसने में दया, न मक्खी चूसने में ग्लानी, अकेला लोभ कहाँ होता है। लोभ जहां विषयों का लोभ हुआ, मिथ्या साथ में है, हैं? और जहां बाधा पड़ी वहां क्रोध साथ में है, जहां अनुकूलता हो गई तो अब छल को कपट अपने करते रहे और कोई किसी ने कुछ नहीं सुन पाया और अनुकूल काम बन गया तो अभिमान आ जाता है। एक नहीं आता, अनेक आ गए। विचार करना भाई, ये झाया, जिन्होंने गाया नहीं। रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा है, जो सुना सो समा गया। सुनने का लौकिक में अर्थ भी यही लेते हैं, परिणमित होने की बात बाद में, उसके सन्मुख हो जाना। आप कुछ लिख रहे हैं, पानी लाओ, ला रहे तुरंत आवाज, और
अब कॉपी बंद करोगे ये तो नहीं वहीं छोड़ के कर दोगे, कोई बात है तो पूरी करोगे, उसको उठा के रखोगे, फिर कैसा पानी लाएंगे क्या करेंगे। पानी लाने में तो एक घंटा लग जाए, कहो तो जरूरी नहीं है पानी अभी यहाँ ले आओगे। कैसा पानी, कितना पानी, किसके लिए पानी, तो पानी के साथ में कुछ भैया आ गए इनको पानी पे, तो पानी अगेरा पानी दे दो। रुक गया अभी लाते, हाथ धोने के लिए पानी यार वहां से पकड़ा दिया। हमारा मतलब जिस जो कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ करके उसके सन्मुख हो जाना। अभी लो, अब पानी लाने का परिणाम तो भाई टाइम लगेगा, लेकिन समझना एकाग्र तुरंत। हाँ, ना का काम नहीं है, कुतर का नहीं है, ना का काम नहीं, जा वहां चले जाओ, बस चले जाओ। अब हम स्वाध्याय के बाद चले जाएंगे। अरे सामने वाला कुछ कह रहा है ना, कुछ कह रहा है। जिन्होंने गाया नहीं, गाने वाला सुन करके और गाने वाला तो इस माइक के समान समझो, समझ गए। उसने कैच किया और पास ऑन कर दिया, ये आवाज इसने पकड़ी और उसमें से निकाल करके तुमको सब बोल दिया। इसमें क्या, इसमें क्या है बता, और शब्द याद कर लिए तो तुम्हारे रिकॉर्ड है। उसने भी शब्द शब्द वाई शब्द लिख लिए, याद कर ली पूरे, सुना देगा पूरा। अरे भाई सुना, ये तो पहली सीढ़ी है, समझा है? और समझा क्या समझा, पंडित टोडरमल जी का वाक्य बोलो, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन वाला। रत्नगण साहब का चार में से आपको श्लोक बताया था, जो अभिमान से धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों का अनादर करता है वह अपने धर्म का ही अनादर करता है, क्योंकि धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। जो धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों का आदर करता है वह अपने धर्म का ही आदर करता है, क्यों, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। जो खेत में बोते हैं वो हम अपने अपने को ही मिले। उस बूढ़े आदमी को याद करो, पेड़ लगा रहा था, 12 वर्ष बाद फल आने उसके, इतनी जल्दी भी नहीं आने। बब्बा अब काय को लगा रहे, अब कितनी उम्र रह गई, बेटा तुम्हारे लिए, हमारे पिताजी ने लगाए थे तो हमने, विचार तो करो। अपना आलस्य छूट रहा है, अपनी विनय होती है, अपना सहन शक्ति बढ़ती है। जो भी शास्त्र में लिखा है, चाहे व्यवहार न लिखा हो चाहे परमार्थ न, व्यवहार न ये जो कथन है भी कथा घटाने के लिए है, और निश्चय न का कथन है वो कथा है मिटाने के लिए। वेद विज्ञान का फल कसा मिटना होगा, रही सही वो भी मिट जाएगी, ये समझो। झाड़ू के बाद का पोंछा है, और बिना झाड़ू के पोंछा लगाने लगा तो क्या होगा, ये तो बिना पड़े लोग भी जानते हैं, जिनको आप बिना पड़े कहते झाड़ू झाड़ू नहीं लगी, ये सड़क पर पोंछा लगा दो, आज ये सड़क है ना, इसे पोंछा लगा दो, पोंछा लगा वो 3 दिन में पोंछा नहीं लगा पाया, पोंछा लगे हो, पहले जा झाड़ के कचरा तो साफ करो तब पोंछा लगे हो। सीधा बैराग चाहते, सीधा बैराग होता नहीं, सीधा सदुपयोग नहीं होता, बीच में सोपयोग हुआ, और सोपयोग क्या है ये समझना चाहिए आपको। धर्मानुराग, धर्मानुराग क्या होगा, ये जाया एकाग्र हो गए,
ध्यान माने ज्ञान की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, चंचलता नहीं। लौकिक में भी कोई कार्य करो एकाग्रता से करो, बिना एकाग्रता के काम नहीं। बातें करते जा रहे, भोजन बनाते जा रहे, भोजन बिगड़ जाएगा। एक चर्चा पढ़ रहे थे, देखो भाई घर में कलह रहती है, परेशानी होती है, आप बड़ी विशुद्धता से और पंच नमस्कार के स्मरण से बड़ी पवित्र भावना से भोजन बनाओ, भोजन कराओ, तब घर में शांति होगी, जैसा होगा अन्न तैसा। मन खराब हो तो बिल्कुल भोजन बनाना और परोसने की व्यवस्था नहीं, मन को बहुत अच्छा करके पवित्र करके भोजन बना। ये रूढ़ी की क्रिया नहीं है, आहार ध्यान है। हम अपने लिए बना रहे, अरे अपने लिए ये भी अपने अंदर भगवान विराजमान है, क्या सही बातें कर रहे हो। शरीर को साधना के लिए भोजन, शरीर का भोजन देना है। अरे गाड़ी में भी खराब पेट्रोल डाल दे तो क्या हो क्यों भैया, गाड़ी में खराब पेट्रोल डाल दिए तो क्या हो जी, बढ़िया मट्टी तेल से अपन चलाओ, क्या करने, इंजन खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा इंजन, गाड़ी बेकार हो जाएगी, बहुत महंगा पड़ेगा वो। जी जी जी, किसी भी कार्य को बेकार की तरह मत टालो। झाड़ू भी लगाओ तो एकाग्रता से लगाओ, प्रसन्नता से लगाओ। सौभाग्य समझ करके जिन मंदिर में झाड़ू लगानी पड़ रही, अरे लगानी पड़ रही नहीं, लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। शास्त्र में तो पढ़ी है, हमने तो देखा है सुना है। हमारे यहाँ एक रईस थे, बड़े आदमी थे, विद्वान आते थे, उन्हीं के यहाँ ठहरते थे, उन्हीं की कोठी थी मंदिर, अपने उनके कपड़े नौकर धोए और वे तैयार है, पंडित दा छोड़ो इसको। देखा है हमने, देव सहस गुरु की सेवा उपासना दूसरों के भरोसे नहीं होती। ये अभिमान है हमारा, ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, अरे ये तो हम करेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है। ये जाया धर्मानुराग के बिना धर्म कहां से आएगा। एक बात कही थी, जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह ही नहीं है वहां राह होते हुए भी कोई मतलब नहीं है। सड़क है हमें जाना ही नहीं है, गाड़ी चार चार ही हमें जाना ही नहीं है, हमें अपना कल्याण करना ही नहीं है, हमें तो अपनी कथाएं पुष्ट करना है। तो अब कल्याण कौन कर सकता है, कल्याण के निमित्त और हम अपनी कथाएं पोषण करने में लगी रहे तो कल्याण के निमित्त क्या करेंगे बोलो। पहले स्वयं तो कमर कसी जाए, ये तो तुम्हारी अंग्रेजी में है ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है, स्वयं अपने जो स्वयं पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ ही का मार्ग है। हमें तो भगवान का भरोसा है, हमें तो पुण्य का भरोसा है, अरे अपना भी भरोसा है तो कर ले भाई, पुण्य का भरोसा। हमें तो पुण्य का भरोसा है फिर मिल जाएगा, अरे हाथ पांव का भरोसा करो, लौकिक में कह देते, अपने पुण्य का भरोसा करो, अपने पुण्य का भरोसा करते हो, पुण्य अध्रुव है विनाशी का, आज है कल नहीं है, पुण्य का क्या भरोसा, आत्मा का भरोसा करो, ज्ञान का भरोसा करो, वैराग्य का भरोसा करो, यही हमारे लिए सुख का कारण होगा, दूसरा नहीं। ये झाया घटना याद आ जाती, बाबा जी की तबीयत ढीली थी, एक दिन ऐसे बैठ गए,
हम भीतर से निकले, हमने कहा क्या बात हुई, बस चुप बोले, इशारा करो बस, एक बस सोई उकार आ जाए, एक हम एक को ये हम नहीं है, ये सब संयोग संयोग में है, हम एक को एक ग्यारह नवगुरु का पाठी भी मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हो पाया, पढ़ाई 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 वाले जीवों को बहुत सोचना चाहिए, विचार करो कैसे हैं वायुभूति को हे नागश्री को, हाँ नागश्री को हे वायुभूते तुझे जो पढ़ाया था सुना सुना नहीं पूरा किया गया अभ्यास, विनयपूर्वक किया गया अभ्यास अगले भव में भी काम आएगा, और अभिमान से किया गया अभ्यास इस भव में भी काम नहीं आएगा। पढ़ लिया पढ़ रहे हैं, लिख रहे टेढ़ी गर्दन करें अभिमान, इस भव में भी काम नहीं आएगा, और नहीं तो कल का पढ़ा हुआ सुना दे तुम, चलो उसने तो वायुभूति के भव में पढ़ा हुआ सुना था, हम तुम कह कल पढ़ा था सुना दे, रायचंद जी वगैरह जो और भी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, घर आकर के नहीं पढ़ा, वहीं एकाग्रता से सुन करके पढ़ करके पूरा याद करके सुना देते, एक लड़का कक्षा में बैठा अपने कॉपी पे लिखो, अध्यापक बोल रहा और लिख कुछ नहीं रहा, अध्यापक घूमते हुए क्या लिख क्या लिखा सुनाओ, उसने कहा भी ऐसे ही पकड़ ली और सुना दिया, ये जाया एकाग्र हो गए, एकाग्र तो एक तो है, फिर एकाग्रता क्या, एक समझा था अपने को, एक जाना था, एक माना था, और एक में लीन हो गए, एक एकाग्र, और साथ में दूसरा शब्द भी है एकाग्र चिंता, और कोई चिंता नहीं, एकाग्र होने पर, एक में एकाग्र होने पर, और विश्व में एक और दूसरा कोई एक नहीं है, ध्यान रखना एक तो अपन ही है, अहम एक को, जीव तो अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक हैं, लेकिन क्या कहें विभिन्न हैं, न्यारे हैं, अचेतन हैं, अमूर्तिक हैं, काल द्रव्य संख्यात हैं, अहम एक को मैं एक दृष्टांत याद है तुम्हें, चाहे किसी में एकाग्र होने का, कभी किसी में एकाग्र होने का, कभी किसी में एकाग्र होने का नाम शील नहीं है, अपने पति में एकाग्र होने का नाम शील है, पुरुष अनेक हैं लेकिन पति तो एक है ना, चाहे किसी में एकाग्र नहीं, कभी किसी में एकाग्र, कभी किसी में एकाग्र नहीं, अपने पति में एकाग्र हो गया, ऐसे चाहे किसी में एकाग्र होने का नाम धर्म ध्यान नहीं है, एक ज्ञायक भाव में एकाग्र होने का नाम धर्म ध्यान है, और जिसने ज्ञायक को समझा वो सब लायक हो गया, ये समझो सब लायक है, सब जगह लायक है, ये उसकी लायकात है, कहीं भी असफल नहीं होना है उसे, कहीं खड़ा कर दो उसको, जिसने ज्ञायक को जाना उसने सब जानने योग्य जान लिया, अल्पकाल में सारा विश्व उसके ज्ञान में ऐसे धड़केगा, हाथ पर रखे आमले के समान युगपत प्रत्यक्ष, कल एक बात कही थी, स्वस्थ आंख वाले को
बिना चश्मा के भी कमजोर आंख वालों को जो चश्मा से दिखता है वो दिखता है, बिना चश्मा के दिखता है और उससे बहुत स्पष्ट दिखता है। कमजोर आंख वाले को चश्मा से भी उतना स्पष्ट नहीं दिखता है जितना उसको बिना चश्मा के। ऐसे इंद्रिय ज्ञान वाले जीव को इंद्रियों से भी उतना स्पष्ट नहीं दिखता है जितना अतीन्द्रिय ज्ञान वाले जीव को वो विषय अत्यंत स्पष्ट हो। क्या जानने की परवाह करो है? भरत चक्रवर्ती ने कहा तुम दिग्विजय कर रहे हो, ध्यान से उठेंगे एक तीर छोड़ेंगे मगदा मर यहीं आ जाएगा, क्या दम है उसमें। मोह को जीतने में पुरुषार्थ है, कसायों को जीतने में पुरुषार्थ है, महावीर ने भी यही कहा था। राजकुमार वर्धमान सांप बन करके वो लपट गया ना, कौन देव परीक्षा करने वाला, और वे केंचे सब तो भगे कूद कूद करके और वे अपने आराम से कीड़ा करते रहे। अरे धन्य है आपकी वीरता को, अरे इसमें क्या वीरता है? वीरता तो मोह को जीतने में है, कथायों को जीतने में है, कर्मों को जीतने में है, काम को जीतने में है, क्रोध को जीतने में है, भेद ज्ञान करते जाओ, चिंतन कर, इसमें क्या वीरता। हाथी को ऐसे बस में कर लिया, अरे महावीर का इसमें क्या वीरता। रुद्र के उपसर्ग में ओ भैया अतिवीर, अरे काय के अतिवीर, काय के ज्ञाना नहीं निजात्मा ज्ञानी हुए तो ज्ञान, ध्याया नहीं निजात्मा ध्यानी हुए तो। एक आत्म स्वभाव आत्मा को नहीं जाना तो सारा जाना तुम्हारा निरर्थक होगा, कोई मतलब नहीं, अहंकार को उत्पन्न करेगा। और एक ज्ञा एक भाव को जाना तो बोलो आगे बाकी पूरा करो, किसी को जानने की गरज ही नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं। सवेरे ही स्वाध्याय कर रहे थे हम, परद्रव्य को जानने का उत्साह ही खत्म, जिन्हें परद्रव्य को जानने का उत्साह नहीं है क्या देखें, दृष्टांत बोलो। अरे तुम्हारा दृष्टांत नहीं बोल पाते, जैसे शीलवती स्त्री को पर पुरुष को देखने का उत्साह नहीं होता। रावण कह रहा देख तो मेरी ओर, कहा देखे तेरी ओर, देखे कहा तेरी शकल देख में लायक नहीं, तेरी शकल पर वासना है। तीन खंड का अधिपति होकर के ऐसे गिड़गिड़ा रहा, धिक्कार है इस काम को। वो कहता देखो सुदर्शन सेठ को ये विकल्प नहीं आया, देख तो ले रानी का महल है कैसा, रानी है कैसी, ये विकल्प खड़ा नहीं हुआ, रोम खड़ा नहीं हुआ। जैसे शीलवान पुरुषों को पर स्त्री को देखने का उत्साह नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती। दूसरा दृष्टांत बोलो, हम तो यही दृष्टांत बताते चरणानियों के। जैसे ईमानदार व्यक्ति को दूसरे का धन देखने का क्या देखना, पराई संपदा पर के साथ हमारी संपदा हमारे, अच्छे विद्यार्थी को दूसरे की कॉपी पे देखने का नकल करने का बोलो, कहीं भी तो देखो आप, खाली हो तो फुर्सत में हो, खाली हो तब दूसरे की ओर देखे। इसीलिए जो दूसरों को देखते हैं उनको कहे भैया जा हटो यहां से, क्या तमाशा देख रहे हो, अपना काम देखो, अपनी रास्ता देखो, अपना घर देखो। भाषा कहीं भी कोई भी हो लेकिन अर्थ तो एक ही है, या अपना अपनी रास्ता देखो, अपना काम देखो, अपने को देखो। लौकिक कार्यों में भी पर की ओर देखना बुरा समझा जाता है, कोई अच्छा नहीं समझा जाता। और जिधर चल रहे उधर तो देखे नहीं, इधर उधर देखे तो वहां पागल मूर्ख कहा जाता है।
ऐसे यहां भी मूल कहा जाता है भाई। तो ये आत्मा देखना चाहिए, आत्महित देखना चाहिए, मोक्ष मार्ग देखना चाहिए, उन मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले उन महापुरुषों को देखना चाहिए, मोक्ष में विराजे हुए परम पुरुषों को देखना चाहिए हैं, जिन्हें देखने पर अंतर में विराजमान ध्रुव परमात्मा सहजपने दिख जाता है। उसी प्रकार जैसे दर्पण के सन्मुख देखने पर अपना चेहरा दिख जाता, दर्पण के सन्मुख एकाग्र होकर के खड़ा हो अपना चेहरा नहीं देखना चाहे तो भी दिखेगा, दर्पण से विमुख होकर के कहा था ना भिन्न में कार्य कहां कार, जो देव सास गुरु को छोड़कर अपना आत्मस्वरूप देखना चाहते हैं, पढ़ पढ़ करके अपना ज्ञान कर लेना चाहते, ज्ञानी होना चाहते हैं, अरे भी दर्पण के बिना अपना चेहरा देखना चाहते हैं। और कुतर्क करते हैं चेहरा हमारा हमारे पास, आंख हमारी हमारे पास, दर्पण की क्या जरूरत है, दर्पण क्या करेगा, तो देख ले भाई तू ज्यादा बुद्धिमान है, देख अकल तेरी में है तो। अरे भाई इंद्रिय ज्ञान की ऐसी निमित्त निमित्ता है, इसको हम व्यवहार की भाषा में पराधीनता भी कह सकते हैं। देख ले है? जब आंख तेरे पास है और चेहरा तेरे पास है, देख ले बिना दर्पण के, सिवा बिना साधना करना चाहते हैं विराधना करते हैं, साधना नहीं करते, सेवा बिना जो साधना करते हैं भी साधना नहीं विराधना करते हैं। नीचे की भूमिका में पड़े ऊपर की भूमिका में कैसे आएगा, और सेवा भी कल्पना से नहीं होती, अपनी मनमानी प्रवृत्ति से नहीं होती, अपने हिसाब से नहीं होती। आपको भोजन कराना है तो आपके हिसाब से कराना होगा हैं, तुम अपने हिसाब से भोजन कराना चाहो एक मेज लगा दी वहां बहुत में आओ साहब दादाजी आओ, दादाजी आए दादाजी कहा कौन है क्या करेंगे, दादाजी को भोजन कराना तो दादाजी कल भोजन घर ही होना है, तो कहा कैसे तबीयत कैसी है कजू बता दे, बड़ी विनय से पूछना पड़ेगा फिर आकर के उस हिसाब से चौका साफ सुथरा करना पड़ेगा तब कर पाओगे, और चौका ही साफ सुथरा नहीं मन और प्रवृत्ति भी साफ सुथरा करनी पड़ेगी। उस दृष्टांत में आया ना वैसे आने का नहा धोकर के बना देंगे हम, अरे तू नहा धोकर के बना देगी कुशील छोड़ करके बना, कुशील का त्याग कर नहा धोकर के बना देगी, गुटका छोड़ना पड़ेंगे दादाजी भोजन कराने का, तमाम खोटे काम छोड़ने पड़ेंगे। महाराज को भोजन कराना तो मूल गुण धारण करने पड़ेंगे, तो वैसे ही व्यसन का त्याग करना पड़ेगा, नया नीति छोड़नी पड़ेगी, वैसे ही थोड़ी हो जाएगा, विचारना है ये झाया बोला आगे ये झाया झाए गए कम कलंक डहे है किसको ध्याया जिन्होंने ध्याया है, स्तुति में लिखा जिन्होंने ध्याया शिव पद पाया मुक्ति पथ पाया, जिन्होंने ध्याया खाली गाया नहीं गाया उन्होंने तो पुण्य पाया है, ये तो हमारे लौकिक विद्वान दे देते दृष्टांत, देखो भैया पराए ब्याह में गए गीत गाए तो बतासे ही तो मिलेंगे, गीत गाए तो बतासे ही तो मिलेंगे है, पति किसको मिलेगा, अब इसी भाषा में बोल रहे हैं आपको पति के जो अंतर में पति को ध्या रही है जो अंतर में पति को ध्या रही है ऐसे देख रही है, सारी बारात नहीं उस बारात में आते हुए
उस अपने पति को, अपने वर को, क्यों ध्यान रही है? उसी को तो पति मिलेगा, गाय वालों कहाँ मिलेंगे? तो समझ लो, जिनने गाया, जिन्होंने भगवान, और गाय नहीं तो फिर बताते हुए नहीं मिल रहे। लेकिन जिन्होंने गाया उनको बताते मिलेंगे भाई, गाने वालों को बताते मिलते हैं। अगर हम कर्णानियों की भाषा थोड़ी सी बोल दें तो तुम यहाँ भगवान के गीत गाओगे, तुम्हारा यशो ज्ञान होगा, भगवान की जय जयकार करोगे, तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवंतों को भक्ति पूर्वक है, भगवंतों को नहीं, उन्हें तो अनाहारी दशा है, मुंडाजों को हैं और मोक्ष मार्ग के साधकों को हैं, जिन्होंने भक्ति पूर्वक दान दिया। ध्यान रखना, कभी भूख से पीड़ित नहीं होंगे, भोजन के लिए ही नहीं कभी तरसेंगे, नहीं भूख से पीड़ित नहीं होंगे। अल्पकाल में भूख का अभाव होगा वो अलग बात है, लेकिन जब तक है संसार दशा है भुक्ति मुक्ति दाता, भूख से कभी दुखी नहीं होंगे। भूख से पीड़ित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, हैं जिन्होंने दान नहीं दिया, आहार दान नहीं। रोग से परेशान वे होते हैं जिन्होंने औषधि दान नहीं दिया है। बीमारियों से, रोग से वे परेशान होते हैं जिन्होंने औषधि दान नहीं दिया है। तो कई प्रसंगों में कह देते औषधि सेवन करने से रोग मिटेगा, ये गारंटी नहीं है, औषधि दान से रोग मिटेगा। जिन्होंने अभय दान दिया है वे कहीं, उन्हें कहीं डर नहीं लगेगा, भयभीत नहीं हो, उनकी प्रकृति भी ऐसी हो जाएगी, अंतराय कर्म का भी ऐसा क्षयोपशम होगा, इतना बल होगा, मनोबल, शरीर बल, हज चाहे कहूं भेजो, हमें डर नहीं, जंगल में भी उन्हें डर नहीं लगता अभय दान देने वालों को। और नहीं तो जिन्हें कहें अब अकेले सोए, केवल लगे, बाहर के लगे, भीतर के लगे, वो अकेले डर लगे रहो, अकेले डर लगा, अरे रे प्रभु कैसी उल्टी दशा है, संयोगों से डर नहीं लगता, भोगों से डर नहीं लगता, पापों से डर नहीं लगता, अकेले को डर लगा था। गुरुओं से डर लगता है, ये टोंक दिए, टोंक दिए तो भली बात तो है, अच्छी तो बात है, जी टोंक दिए तो अच्छी तो बात है, ये हम कब बुरी बात है, लेकिन अपना हित करना हो तब ना। ये बात विनयवान को समझ में आएगी, अभिमानी को समझ में नहीं आ सकती, ये टोंक देंगे, अभी उनसे पूछेंगे तुझे मने कर दिए, तो अच्छी तो बात है। अच्छा एक काम करो, कैसे मने कर देंगे, पूछो इनसे, इनसे पूछो हैं, अच्छा पूजा करे मन करो मने, अब तुम कह रहे कि अब हम नेकोस हो जा, अब बताओ 8 बजे तुम कह रहे नेकोस हो जा, तो मने करेंगे ही, तुमने पूछा स्वाध्यान चले जा, मने करके बताओ, हम बताओ मने करे, कोई मने करे बताओ। अब बात ये काम जो कहेंगे सो तुम्हें करने नहीं है, और तुम्हें जो करने सो इन्हें सुहाने नहीं है, अब तुम कहो जी मने कर देंगे, तो इनसे पूछो ही मत, लिया काम खत्म हो, बता जी कोई बात तो नहीं है। ये झाया झाने से पहले ध्यान है ना, ध्यान से पहले ज्ञान, और ज्ञान से पहले साथ में श्रद्धान, श्रद्धा ज्ञान और ध्यान, श्रद्धान ज्ञान और ध्यान, श्रद्धान और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। इसलिए ये झाया में यह श्रद्धान और ज्ञान अंतर गर्भित समझ लेना चाहिए। ये झाया जे और जो और सो, कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है, कोई मनुष्य त्रियंश की बात नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्त बात भी है। ध्यान रखना, हीन आचरण वाले जीव, तीव्र कषायों वाले जीव हैं, नारकी और त्रियंश आदि जीव बेस मार्ग को नहीं धा सकते, उसका निमित्त निमित्त भी है, मनुष्य पर्याय हो, उत्तम कुल हो, उत्तम आचरण हो, एक लक्ष्य हो, अर्धपुजगल परावर्तन से कम संसार रह गया हो, जागृत हो, पुरुषार्थी हो,
तंगी हो, चतुर हो, चालाक नहीं। हाँ, चतुर होना चाहिए, चालाक नहीं। चतुर बनो, चालाक नहीं। दृढ़ बनो, कठोर नहीं। सरल बनो, भोले नहीं। मितव्ययी बनो, कंजूस नहीं। मितव्ययी बनो। मितव्ययता कंजूसी बिल्कुल अलग चीज है। मितव्ययता और कंजूसी में क्या अंतर है बताना, एक लाइन बस। योग्य स्थान पर भी खर्च नहीं करना, ये कंजूसी है। और फालतू खर्च नहीं करना, ये मितव्ययता है। अरे जहां दो पैसे की जरूरत, दो पैसा, जहां चार पैसा ही जरूरी, चार पैसा। योग्य स्थान पर लोभ का अभाव, मितव्ययता। योग्य स्थान पर लोभ का अभाव, यह है मितव्ययता। और कंजूसी, योग्य स्थान पर भी कुसकुसाना। तो जी जाया ध्याले गए, कम कलंक रहे, नित्य निरंजन नाम वैते परम अपन भी। नित्य निरंजन शुद्धात्मा को भी प्राप्त करते हैं जो ध्याते हैं। किसे ध्याते हैं? नित्य निरंजन आत्मस्वरूप को ध्याते हैं। जो जयवंत स्वरूप को ध्याते हैं वे जयवंत होते हैं। जो निर्दोष स्वरूप को ध्याते हैं वे निर्दोष होते हैं। जो आनंद स्वरूप को ध्याते हैं वे आनंदित होते हैं। जो ज्ञानमय स्वरूप को ध्याते हैं वे ज्ञानी होते हैं। जो मुक्त स्वरूप को ध्याते हैं होते हैं। और ज्ञानमय ध्यान है, ज्ञानमय, आनंदमय, मुक्त, प्रभु, ये सब अलग अलग नहीं है। ऐसी अनंत शक्तियां ज्ञान मात्र भाव में उछलती हैं, इसलिए एक ज्ञायक भाव को ध्याते हैं। वे ज्ञानी होते हैं, वे ध्यानी होते हैं, ध्याता होते हैं, वे मुक्त होते हैं, वे सुखी होते हैं, वे प्रभु होते हैं, वे भगवान होते हैं, होने योग्य सब कुछ वे ही होते हैं। जिसने ज्ञायक को ध्याया वो सब लायक हो गया, समझ लो। और ज्ञायक को नहीं समझा तो आप समझ लो कहूं के लायक नहीं है, काऊ लायक नहीं है, काऊ लायक नहीं है। विचारना,